भारत के अंदर सबसे ज्यादा चलने वाला है वो ग्रोसरी बिजनेस ग्रोसरी बिजनेस के अंदर जो है अलग अलग जो है वो मॉडल और कॉन्सेप्ट आ चुके हैं क्योंकि तो अभी का जो ट्रेंड है ना वो बदलते समय के हिसाब से जो है लोग जो है इंटरेस्ट ज्यादा जो है सुपरमार्केट के बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं लोग इस बिजनेस को बखूबी करना चाहते हैं और जल्दबाजी में शुरू भी करते हैं लेकिन एक सीमित समय के बाद जो है उन्हें क्लोज करना पड़ता है इस बिजनेस को बंद करने का सबसे बड़ा जो कारण आता है वो मार्जन को लेकर क्योंकि ऑलरेडी जो है ग्रोसरी बिजनेस में ज्यादा मार्जन नहीं होता है और जो छोटे लेवल से शुरू करते हैं काम उनका मार्जन जो है वो ऑलरेडी दब जाता है तरीके के अनेकों क्वेश्चन होते हैं जो एक नए व्यक्ति के लिए एक नए बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देता है अब इन सब बातों को जानने के बाद सुपरमार्केट के बिजनेस में इंटर करना चाहते हैं तो आपके मन में अभी भी एक सवाल होगा कि आखिर कौन हमारी हेल्प करेगा कौन जो है इस मॉडल के बारे में बताएगा कौन हमें समझाएगा इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में कितना एरिया होना चाहिए कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है सारे ब्रांड के जो है प्रोडक्ट एक ही जगह पे हम कहाँ से लें और वो भी जो है बहुत अच्छे डिस्काउंट पे बहुत अच्छे प्राइस पे तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है बस वीडियो को ध्यान से सुने समझें अंत तक देखें तो चलिए हम वीडियो में यहां से आगे बढ़ते हैं ग्रोसरी बिजनेस शुरू करने का आपने मन बना लिया है सुपर मार्केट स्टार्ट करने का आपने मन बना लिया है तो इसमें काम करने के दो तरीके हैं पहला तो ये तरीका है कि सभी काम जो है आपको खुद से करने होंगे चाहे वो इंटीरियर डिजाइन हो चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो चाहे कोई प्रोडक्ट को लेके जो है बात करना है होलसेलर से डीलर से डिस्ट्रीब्यूटर से कंपनी से खुद को करना है क्योंकि एक ग्रोसरी बिजनेस में हम सभी जानते हैं हजारों से ज्यादा जो है प्रोडक्ट होते हैं और हर महीने कुछ ना कुछ इंक्लूड होते रहते हैं इसमें एक सबसे बड़ा समस्या खड़ा होता है जिसकी वजह से बाद में जो है क्लोज करना पड़ता है बंद करना पड़ता है मार्जिन को लेके जी हाँ आप कितना क्वांटिटी जो है किसी होलसेलर से ले सकते हैं दस बीस पचास सौ दो सौ पाँच सौ क्वान्टिटी छोटा होता है तो वहाँ पे मार्जिन भी बहुत छोटा हो जाता है अगर कोई कंपनी जो है लाख दो लाख तीन लाख जो है ले रहा है सेम प्रोडक्ट तो उसको ज्यादा मार्जिन मिलेगा अब एक मन में ये भी सवाल आ रहा होगा हम तो ले रहे हैं यहाँ पे सौ दो सौ पांच सौ पीस लेकिन कोई सुपर मार्केट लाख दो लाख पांच लाख कैसे ले सकता है इतनी बड़ी क्वांटिटी एक प्रोडक्ट का तो जी हाँ ले सकता है क्योंकि आपका जो है वो सेल्फ ग्रोसरी बिजनेस है सेल्फ सुपरमार्केट है लेकिन यहां पे अगर कोई कंपनी ले रहा है ना तो सेल्फ के लिए नहीं ले रहा है वो फ्रेंचाइजी बेस्ड कंपनी होते हैं जो कि पूरे ऑल इंडिया में जो है फ्रेंचाइजी देते हैं ग्रोसरी बिजनेस का ये उनका कंपनी होता है और जिन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखा है उनका कितना फायदा हो जाता है तो सबसे पहले एक नुकसान समझ लीजिए अगर आप कहीं से भी जो है फ्रेंचाइजी ले रहे हैं कुछ ना कुछ जो है आपको फीस देना पड़ेगा और इनके भी कुछ नियम और शर्त होते हैं जैसे कि आपके एडिय है 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 कि नहीं है। आप उनके जो कंडीशन को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं ये सब जो है अलग अलग के जो है अलग अलग टर्म हैं अब हम इनका देख लेते हैं कि प्लस क्या हो जाता है। सबसे तो नॉलेज नहीं है इस बिजनेस से रिलेटेड तो सारा जो है आपको सपोर्ट करेंगे लेके तक। क्योंकि आपका जो है बिजनेस ग्रोथ होगा तभी जो है उनका बिजनेस ग्रोथ होगा दूसरा यह कि उनका क्वांटिटी जो है वो काफी हाई लेवल का होता है जिससे वो अच्छा मार्जिन कंपनी से ले पाते हैं और आपको भी अच्छे मार्जिन पे दे पाते हैं तो आप भी जो है आगे कस्टमर को डिस्काउंट दे पाते हैं साथ ही में एक अच्छा मार्जिन भी कमा पाते हैं तीसरा ये कि इंटीरियर डिज़ाइन में एक्सपर्ट उनकी टीम होती है जो कि पूरा आपका डिज़ाइन करते हैं किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है फिर तो डिज़ाइन के बेस पे बहुत कुछ आधारित होता है कोई व्यक्ति अगर दस प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है तो वो जो है दस की जगह बारह या पंद्रह जो है लेके जा सकता है कुछ ना भी लेने वाली चीज़ें होती है वो भी आपका लेके जा सकता है तो वो सब जो है वो डिज़ाइन पे डिस्प्ले पे डिपेंड करता है चौथा जो है प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको सॉफ्टवेयर को लेके सॉफ्टवेयर में आपको कोई दिक्कत होता है सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देना वो सभी कुछ जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है समय समय पे जो है आपको किसी भी चीज़ का जरूरत होता है तो वो कंपनी आपको सपोर्ट करती है पांचवा जो इसका प्लस पॉइंट मिल जाता है वो एडवर्टाइजमेंट को लेके हो जाता है चाहे हम करें वेबसाइट की बात गूगल मैप के जरिए एडवर्टाइजमेंट हो जाते हैं फेसबुक के जरिए एडवर्टाइजमेंट हो जाते हैं यूट्यूब के जरिए इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग जो तरीके होते हैं उन सभी का जो है आपको सपोर्ट मिल जाता है जिससे बिजनेस के ग्रोथ के आपके चांसेस जो है वो काफी बढ़ जाता है कुल मिला ये कहें कि बिजनेस तो आपका है इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा सपोर्ट भी आपको करना पड़ेगा लेकिन पूरा जो है टीम उनका होता है जो आपको सपोर्ट करता है आपके बिजनेस को सपोर्ट करता है जब कभी भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है कई अलग अलग कंपनी के जो है एक रॉयल्टी प्रोग्राम होते हैं कि आप साल में जो है इतने का टर्न ओवर करते हैं तो आपको रॉयल्टी दिया जाता है जिससे काफी बेनिफिट मिल जाते हैं अगर आप इस फ्रेंचाइजी बेस मॉडल में काम करना चाहते हैं तो आप जो है जी फ्रेश स्मार्ट कंपनी से जुड़ के काम कर सकते हैं या फ्रेंचाइजी ले सकते हैं यहां से आपको सारी सपोर्ट मिल जाते हैं इंटीरियर डिजाइन का सपोर्ट मिल जाता है डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है एडवर्टाइजमेंट का सपोर्ट मिल जाता है रॉयल्टी का सपोर्ट मिल जाता है एक लाइन में आप कह सकते हैं क्या बात है कोई सवाल करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जिसके जरिए आप बात कर सकते हैं कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि जब भी आप फ्रेंचाइजी लेवल के लिए बात करना चाहें तो उनके पूरे एग्रीमेंट टर्म एंड कंडीशन को आप पढ़ ले आप जो है वहाँ ऑफिस में विजिट करें सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उससे कोई सवाल करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं या कॉमेंट कर सकते हैं इसी के साथ प्यार देते रहे मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए खुश रखते रहें परिवार का ध्यान रखें टेक केयर बाय बाय जय अब के बरस तुझे धरती किरानी कर देंगे अब के बरस